से विलय हो गए और उसके बाद दोस्तों हिस्ट्री ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की हिस्ट्री क्या है, पहले कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होते थे नहीं, फिर सॉफ्टवेयर कब से शुरू हो गए, फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आ गया, इसकी डिफिनीशन दो तीन डिफिनीशन हमने पढ़े थे अगर आप लोगों को याद हो, और हिस्ट्री ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और फिर वाई भी स्टडी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है ना, फिर ये सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन है, ठीक है, हिस्ट्री में ये हमने पढ़ा था कि पहले जो सॉफ्टवेयर बनते थे सिस्टम एनालिसिस डिजाइन में बनते थे, व्हाई वी स्टडी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, यानी इसको हमने क्यों, व्हाई वी स्टडी आर एंड आर और मेक अ न्यू इंजीनियरिंग डिसिप्लिन कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है, इसकी चार पांच इस तरह पॉइंट्स हैं मेन, ठीक है, फिर दोस्तों आप लोगों को याद है एप्लीकेशन डोमेन में सात आठ डोमेन्स थे अगर आप लोगों को याद हो, इसलिए वेब डोमेन में हमने थोड़ी सी वजाहत की थी कि डू नॉट बी कंफ्यूज विद वेब सॉफ्टवेयर एंड इंटरनेट सॉफ्टवेयर, इंटरनेट भी सॉफ्टवेयर भी पूरी तरह से चलता है, ठीक है, लेकिन आप लोगों को बताया था कि इंटरनेट किसी भी आई पी के भी सॉफ्टवेयर है और सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर का एक बच्चा है, ठीक है, और ये भी दोस्तों क्या है सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का एक बच्चा सा, ठीक है, तो ये दोनों जुदा-जुदा चीज़ें, ये 69 में आया था 89 में, ये चीज़ें आप लोगों को वाजे होनी चाहिए, ठीक है, इसके बाद दोस्तों हाउ टू डेवलप सॉफ्टवेयर, तो ये जो दोस्तों हम प्रोसेस मॉडल के जरिए हम करते हैं, प्रोसेस मॉडल, और फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक जेनेरिक प्रोसेस मॉडल पढ़ा, जेनेरिक मीन्स के आम यानी जनरल, जेनेरिक प्रोसेस मॉडल, जेनेरिक प्रोसेस मॉडल में कम्युनिकेशन प्लानिंग एनालिसिस डिजाइन मॉडलिंग कंस्ट्रक्शन और डिप्लॉयमेंट, और ये जो डिजाइन या उसको मॉडलिंग भी कहते हैं और कंस्ट्रक्शन, इनको हमने थोड़ा सा एक्सटेंड किया, उसमें हमने कहा कि डिजाइन या मॉडलिंग के जो सॉफ्टवेयर के जिस तरह हम डिजाइन या मॉडल करते हैं उसके दो बड़े फील्ड्स हैं हमारे साथ, ईआरडी और क्लास डायग्राम, क्लास डायग्राम में और ईआरडी में फर्क क्या है, क्लियर है ना, इसके बाद दोस्तों हम आगे गए, डिप्लॉयमेंट भी हमने पढ़ लिया लास्ट के तो, और उसके बाद हमने कहा कि ये प्रोसेस मॉडल जो आजकल मरवीजा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बुक्स में है, ये दो किस्म के, एक प्रोस्पेक्टिव और एक एडवांस, ठीक है, प्रोस्पेक्टिव सात आठ किस्म के हैं और एडवांस इस तरह पाँच छः किस्म के, बस ये चीज, मेरे खुद तिहाई ज्यादातर ज्ञान में तबीयत खराब है, ठीक है,